गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5th, सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 7, ईमेल। हमने इस चैप्टर में मैंने आपको समझाया था ईमेल क्या होता है, ईमेल का किस तरह यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। और ईमेल का शॉर्ट फॉर्म था, जो ईमेल का फुल फॉर्म था हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल था, ठीक है ना। फर्स्ट ईमेल कब आया था, कब उसको यूज़ किया गया, कब किसको भेजा गया, मैंने इसमें आप बता दिया था, इसमें एडवांटेज ही बता दिए थे, ठीक है ना। और ईमेल अकाउंट किस तरह स्टार्ट करते हैं हम, ये चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बताई थी, ठीक है ना। और सर फील्ड नेम में क्या क्या भरते हैं हम, ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, समझा दिया था मैंने अगले टॉपिक में। अब इसके अंदर हमें करना है एक्सरसाइज, ठीक है ना। एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट है हमारा, टिक द करेक्ट ऑप्शन, द फर्स्ट ईमेल फॉर स्पेस वाज सेंड इन 1991, ठीक है, सबसे पहला ईमेल सेंड कब हुआ था, ठीक है। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ईमेल, ईमेल के अंदर कौन कौन से फीचर होते हैं, इट इज़ अ कन्वेंशनल ऑफ द यूज़ ऑफ ईमेल, इट रीच वेरी फास्ट, या बोथ ऑफ दोनों होते हैं, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन है, वेयर डू यू रिसीव ऑल इनकमिंग मेल कहाँ पर आते हैं, इनबॉक्स के अंदर आते हैं, ठीक है ना, ओके। फोर्थ है, ऑन विच ऑप्शन डू यू क्लिक टू कम आउट ऑफ योर ईमेल अकाउंट, ठीक है। ईमेल अकाउंट जो होता है हमारा वो साइन गो में होता है, साइन इन में होता है, साइन आउट, साइन इन में होता है, ठीक है ना, ओके। तो ये टिक द करेक्ट ऑप्शन थे। नेक्स्ट आता है हमारा, मेज द फॉलोइंग ट्रस्ट इनबॉक्स चैट सेंड में ड्राफ्ट, ठीक है ना, ओके। तो ये ऑप्शन में दिए हुए हैं, मैंने टिक कर दिए, यहाँ पर नंबरिंग डाल दिए। फर्स्ट आएगा आपका डिलीटेड मेल, सेकेंड में आएगा आपका इनकमिंग मेल, थर्ड आएगा चैटेड मेल, फोर्थ आएगा आउटगोइंग मेल, और फिफ्थ आएगा आपका ऑटोमेटिक सेव, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, बस एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट आता हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। व्हाट इज़ एन ईमेल, ईमेल क्या है, व्हाट आर द वेरियस पार्ट ऑफ द एन ईमेल एड्रेस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसका नंबरिंग गलत है, ठीक है। एक्सप्लेन द वेरियस हेडिंग दैट आर द विजिबल ऑन द फर्स्ट ईमेल पेज, ओके। और फोर्थ है, राइट द स्टेप टू साइन आउट एन ईमेल अकाउंट, समझ गए, ठीक है ना। तो हम इसमें क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ईमेल, ईमेल इज द शॉर्ट एंड टर्म विच मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, इट इज़ द सिमिलर टू द रेगुलर पोस्टल लेटर कॉन्टेनिंग एड्रेस रूटिंग इन्फॉर्मेशन कॉन्टेंट। देखिए, ईमेल एड्रेस में हम क्या करते हैं, हमारे पास पोस्टल एड्रेस होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए जहाँ हमें लेटर भेजना है, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और कॉन्टेक्ट होना चाहिए, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस, ईमेल एन ईमेल एड्रेस इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम एंड डोमेन नेम, डोमेन नेम इज द सेपरेट इनटू द टू पार्ट बाय द डॉट नोन एज द पीरियड, द यूजर नेम एंड द डोमेन नेम आर द सेपरेट बाय द सिंबल एट द रेट। देखिए, हमारे पास ईमेल एड्रेस के लिए दो पार्ट होते हैं, उसमें हमारे पास डोमेन नेम होना चाहिए और एक सिंबल होता है एट द रेट का, ये दोनों चीज़ हमारे पास होना चाहिए, डॉट और एट द रेट। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस हेडिंग दैट आर द विजिबल ऑन द फर्स्ट ईमेल पेज, द वेरियस हेडिंग दैट आर द विजिबल ऑन द फर्स्ट ईमेल पेज आर इनबॉक्स स्टार्टेड सेंडमेंट ड्राफ्ट ट्रेस और चैट, ये सब ईमेल जो छः हैं ईमेल हेडिंग के पेज है, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन आता हमारा, राइट द स्टेप टू द साइन आउट ऑफ ईमेल अकाउंट, जब ईमेल अकाउंट से बाहर आते हैं तो क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है, क्लिक ऑन द डाउन एरो पे जाएंगे, प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगी, और ड्रॉप डाउन लिस्ट विल भी अपेयर हो जाएगा। और सेकंड स्टेप में जाए, क्लिक ऑन द साइन आउट, हम उसी ईमेल से बाहर आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर थे, चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट ईमेल, ठीक है ना, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।